ये सीबीआई का कानून नहीं है संविधान में, इनकम टैक्स का कोई रूल नहीं है संविधान में, आरटीओ का कोई रूल नहीं है, हवाई जहाज के लिए जो डीजीसीए का रूल है वो उसमें नहीं है, मिलिट्री का रूल है उसमें नहीं है। कि सुप्रीम कोर्ट के दिए गए हर एक फैसले अपने आप में एक कानून है। कानून अंधा होता है, जज अंधा नहीं होता है, याद रखिएगा। पूरा देश में जितने कानून है ना, वो ऐसा नहीं कि संविधान में लिखा है, हमारे देश में जितने कानून है ना उसका शायद 1-2% हमारा संविधान है। संविधान बस ये बताता है ना कि तुम कितना उड़ लो, इससे ऊपर नहीं हो। बाकी संविधान में क्या चीज है? सीबीआई का कानून नहीं है संविधान में, इनकम टैक्स का कोई रूल नहीं है संविधान में, आरटीओ का कोई रूल नहीं है, हवाई जहाज के लिए जो डीजीसीए का रूल है वो उसमें नहीं है, मिलिट्री का रूल है उसमें नहीं है। सारा नियम बस वो ये बताता है ना कि सबकी सीमाओं का निर्धारण करता है संविधान। बाबू तुम इतने उड़ना, तुम बबुआ इतना उड़ना, इससे ज्यादा मत उड़ना। तो सुप्रीम कोर्ट जो है ना, वो हमारा संविधान जो है वो एक लिमिट डिसाइड कर देता। सुप्रीम कोर्ट को कहा गया आर्टिकल 129 में कि सुप्रीम कोर्ट के दिए गए हर एक फैसले अपने आप में एक कानून है। सुप्रीम कोर्ट अगर कोई फैसला सुना दिया तो अपने आप में वो क्या हो गया? कानून हो जाता है। समझ आ गया कि नहीं? इसलिए सुप्रीम कोर्ट को फैसला सुनाते समय बहुत सोच समझ के पढ़ना, वरना वो कानून हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट। समझ आया? जैसे मान के चलिए कोई गया सुप्रीम कोर्ट में, बूढ़ा आदमी था, सिग्नल क्रॉस कर गया। अब सुप्रीम कोर्ट के पास गया कि हमको छोड़ दीजिए, हम बूढ़े तो नहीं दिखा हमको, तो सुप्रीम कोर्ट कह देगा ठीक है तुमको छोड़ देते हैं, जुर्माना नहीं लगाते हैं, ले। उसी दिन वो कानून हो जाएगा कि बूढ़ा आदमी सिग्नल तोड़ सकता है। नहीं छोड़ेगा सुप्रीम कोर्ट कभी नहीं, बूढ़ा है तो लीजिए पैसा, सरकार को आदेश देगा मोती अब इनका ऑपरेशन करा दीजिए, इनको यहाँ 200-500 रुपये चालान जमा कर दीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट का हर एक कलम चला हुआ हिस्सा क्या बन जाता है? कानून। इसलिए कई बार ऐसा होता है ना कि सुप्रीम कोर्ट चाह के भी आपको नहीं छोड़ सकती, क्योंकि वो क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं? तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले क्या बन जाएंगे? कानून बन जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ये देखता है कि कौन से डिपार्टमेंट में कैसा कानून बनना है। नहीं बाबू, आप कानून बना लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट कानून के अधिकन आंख पे पट्टी बनी रहती है कि उसको कुछ नहीं दिखता है। और एगो तहत में तराजू, कि वकील लोग तराजू पे रखिए किसका अपराध ज्यादा है, देख लेगा किसका अपराध ज्यादा। दाहिना हाथ में तलवार रहता है, छपाक जय ससुरत में, यहाँ पे बाकी कोर्ट का और कोई काम नहीं है, आंख पे पट्टी की उसको कुछ नहीं दिख रहा है। वकील और आप अपना सबूत रखिए इस तराजू में, जिसका पलड़ा भारी, मतलब अगर अपराध का पलड़ा भारी तो अपराधी घोषित हो गए, निर्दोष का पलड़ा भारी तो निर्दोष बरी हो जाएगा। और उसके बाद कानून अंधा होता है, जज अंधा नहीं होता है, याद रखिएगा। जज लोग इतने, एक एक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज के पास जाके देखिएगा ना, 4 लाइन फाइलवा पढ़ के बता, 10 मिनट बहस करके समझ जाता है कौन सही है कौन गलत है। दिक्कत यह है कि उसको प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता, कि बस वहां तक वकील पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा है, प्रोसीजर पहुंच गया तो क्या। तो अभिलेख का मतलब क्या हुआ? समझ में आ गया? मिलता जुलता कानून। यदि एक ही अपराध पर अगर कोई सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया तो वो क्या बन जाएगा? कानून। जैसे मान के चलिए अभी के समय, पहले मुस्लिम में था ये नियम, अब हिंदू मुस्लिम दोनों में भी हो गया है कि पिता की संपत्ति में बेटी का भी अधिकार होगा। तो पहले ये केवल किसमें था? मुस्लिम में, लेकिन अभी हिंदू मुसलमान दोनों में हो गया। तो अमूमन बेटी लोग अपने घर में हिस्सा नहीं मांगती है, ठीक है। लेकिन अगर कोई बेटी का झगड़ा हो गया उसको भाभी से, कोनो का ननद भौजाई में बड़ी उर्जबता है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? अजा मत पूछिए, वहां पे हुआ हो जाता है। 5 दिन का दिन अयर में जाएंगे लोग तो 5 दिन में बजड़ जाता है, पता नहीं कैसे यहाँ पे। तो अगर मान के चलिए किसी महिला में विवाद हो गया और उसके ब्याह हुए 50 साल हो गया, और 50 साल के बाद करी कि नहीं हमको इस संपत्ति में चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट दिलाएगा कि नहीं दिलाएगा? दिलाएगा। क्योंकि अगर वो कह दिया कि नहीं आप 50 साल लेट हो गई अब आपका नहीं होगा, तो पूरे हिंदुस्तान में वही कानून हो जाएगा कि लेट कर दीजिएगा तब नहीं होगा। इसलिए आप जब तक जीवित है तब तक क्या कर देंगे? मान लें जब तक सुप्रीम कोर्ट खुद कानून ना बना दे कि कम से कम 10 साल में आपको क्या कर देना है? रिकॉल कर देना है। समझ में आया कि नहीं आ गया? लड़की लोग आप लोग को हिस्सा लेना है? चलिए ठीक है, जमीन के बदले इज्जत रहना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एक तरह से अच्छा भी है। और आप लोग अपनी बहन का जो इज्जत है वो इज्जत देते रहिएगा, और पत्नी को ज्यादा समझाने की जरूरत आप लोगों को ही नहीं है कि लड़ाई झगड़ा मत करो, ये वाला कानून समझा दीजिएगा। देखो ज्यादा कुटुर पुटुर करोगी किसी दिन उसका मूड घसकेगा, मांग देगी कोर्ट में, लेना देना पड़ जाएगा। क्या जाता है 4 दिन के लिए आ रहा है, थोड़ा खाना पीना बढ़िया दे दो, जाते समय विदाई में दे दो, थोड़ा बढ़िया से बतिया लो यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आप लोग डायरेक्टे मत बोलिएगा, डायरेक्टे कहेंगे लड़ाई झगड़ा नहीं करो, हम ही करते हैं क्या, तुरंत ही इधर से हो जाएगा। डर बहुत जरूरी है।
आप लोग। अच्छा एक और बात बता रहे हैं, ध्यान से समझिए आप लोग, यही नहीं कि जबरदस्ती आप लोग ब्लैकमेल करने लगिएगा अपने नैहर में आके कि हमारा यहाँ हुआ, नहीं तो आप लोग कहीं इधर से चलाएगी सब, आप लोग के ससुराल कहेगी सब कि यो मांग ले अपने यहाँ, तो ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ जो परंपरा बन गई है उसी के हिसाब से चलता है। तो सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला देने से पहले क्या सोचता है, नजीर है उसके लिए। नजीर मतलब समझते हैं, मिसाल, मिसाल मिलता जुलता अभिलेख, यानी उसी से मिलता जुलता कानून, वो नजीर होता है उसको, नजीर। आगे बढ़े, सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला देगा क्या बन जाएगा, हाँ अभिलेख या नजीर बन जाएगा, अभिलेख या क्या बन जाएगा, नजीर बन जाएगा। किसी को कोई दिक्कत, आगे बढ़ जाए। अब जैसे 2012 में निर्भया रेप केस हुआ था, उसका एक जो मुख्य 12 में हुआ था कि 14 में, 12 में, 12 में था बात, 11 साल हो गए, 10 साल बाद उसको फांसी लगा था लॉकडाउन में, उसका एक मुख्य अभियुक्त था, उसको 3 साल में सजा होकर छूट गया वो। क्यों? क्योंकि उस समय कानून ये था कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे को आप जेल में नहीं डाल सकते हैं, उसे डालना पड़ेगा बाल सुधार गृह में, वहां केवल छोटे छोटे बच्चे रहते हैं बाल सुधार गृह में। और वो लड़का जो था वो 17.5 साल का था, 6 महीना के लिए चट्टा बच गया, समझ में आ गया कि नहीं आएगा, तो बहुत दिक्कत हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुना दिया, नहीं नहीं सुना सकता था, उसका हाथ बंधा है सुप्रीम कोर्ट का, वो जान रहा है कि चट्टा तुम सबसे ज्यादा खचरा है, और इसको सजा नहीं सुना पाया, 3 साल का ही सजा दिया बाल सुधार गृह में। नहीं नहीं, उसके बाद में कानून बना, जस्टिस वर्मा कमेटी आई, जस्टिस वर्मा कमेटी ने कहा कि आप वोट डालने के लिए 18 साल में बालिग होते हैं, लेकिन अपराध करिएगा तो 16 साल पे ही आपको बालिग मान लिया जाएगा, वो इसी घटना के बाद हुआ था। लेकिन हमारा संविधान क्या कहता है, आप पीछे के कानून के हिसाब से थोड़े लग सकते हैं, आपको सजा उस समय कानून के हिसाब से, एक गलती की एक सजा, समझ में आ गया, सजा ऐसे नहीं पहले और बाद के लिए नहीं, अपने खिलाफ गवाही भी नहीं देंगे, तो ये सब संविधान में अधिकार है। तो सुप्रीम कोर्ट कभी नहीं सुना। अच्छा सुप्रीम कोर्ट चाहता क्या होता कि ना सजा सुनाएंगे 17.5 साल पे, अब जिस दिन 17.5 साल पे सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना देता वही क्या बन जाता, कानून, क्या बन जाएगा, कानून। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के जज को सोचिए कितना टेंशन है, एक इसमें अपराधी कौन है उसको सोचना, अब फिर सजा देने के समय ऐसा ना सोचना कि इसके लिखे गए कानून से संविधान का कोई और कानून न कट जाए। आप बचाइएगा कब, जब आपको पूरा कानून पता हो तब। इसलिए देखिएगा सुप्रीम कोर्ट के जज जब भी या हाई कोर्ट के जज फैसला सुनाते हैं ना, तो कह देते हैं कि हमने आपको दोषी करार दिया, अब आप दोषी सिद्ध हो गए, अब अगली तारीख पर आपको कितनी सजा दी जाएगी ये डिसाइड करेंगे, तुरंत नहीं बचाता है, समझ गए। अब घर जाके सोचेगा कि को कितना बढ़िया से निपटाना है, समझ गए। उनका अपना एक फैसला रखने के लिए अपना रूम रहता है, उसमें जाके वो लोग आराम से फैसला लिखते हैं, बाहर दो गनमैन खड़ा रहता है, डिस्टर्ब मत कर, ना तो पता चलो फैसला लिख रहे हैं, उसमें कोई जाके चाय पीना है, भाग यहाँ से चाय पीना है, यहाँ पे बाहर गनमैन लगा रहता है, बाहर चाय निपटा देगा, वहाँ पे अंदर देश का बात चल रहा है, यहाँ पे बात करते हैं, जाके चाय पीना है, भुजा खा लीजिए। आगे बढ़े।